सिख ईसाई सभी एक समान, मानवता है सबसे बड़ा धर्म, इसकी करो तुम पहचान। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सातवीं हिंदी स्रोत भाग सात का पाठ जो है आपका नंबर तीन धर्म की झांकी पढ़ने जा रहे हैं। अक्षरंश आप मेरे साथ बने रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारा सिलेबस है वो अनवरत जारी रहे। ये जो धर्म की झांकी आज का जो आपका पाठ है, इसमें महात्मा गांधी ने अपने विषय में लिखा है कि उन्हें उनके मन में जो धर्म की जो बेल है, उसकी जड़ है, वो कहाँ से फैलना प्रारंभ हुई थी, कहाँ वे रहते थे, कहाँ उनका मन नहीं लगा, तो सारी चीज़ें वो इसमें हम आपको बताएंगे। तो देखिए, पढ़िए मेरे साथ साथ। छः या सात साल से लेकर के 16 साल तक की उम्र तक मैंने स्कूल में पढ़ाई की। तो गांधी जी ने स्कूल में पढ़ाई कब तक की? 16 वर्ष की उम्र तक। पर स्कूल में कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं मिली। यूँ कह सकते हैं कि शिक्षकों से जो आसानी से मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। फिर भी वातावरण में कुछ न कुछ तो मिलता ही रहा। यहाँ धर्म की उदारता अर्थ करना चाहिए। धर्म अर्थात आत्मबोध आत्मज्ञान से वैष्णव संप्रदाय में जन्मा था, इसलिए हवेली में जाने के प्रसंग बार बार आते रहते थे। उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। हवेली का वैभव मुझे अच्छा नहीं लगा। हवेली में चलने वाली अनीति की बातें सुन करके मन उनके प्रति उदासीन बन गया। वहाँ से मुझे कुछ भी न मिला। पर जो हवेली से मिला वह मुझे अपनी धाय रंभा से मिला। धाय होती है माँ के अतिरिक्त जो पालक होती है ना, पालने वाली। रंभा हमारे परिवार की पुरानी नौकरानी थी। उनका प्रेम मुझे याद, आज भी याद है। मुझे भूत प्रेत आदि से डर लगता था। रंभा ने मुझे समझाया कि इसकी दवा राम नाम में है। मुझे तो राम राम से भी अधिक श्रद्धा रंभा पर थी। इसलिए बचपन में भूत प्रेत आदि से भय से बचने के लिए मैंने राम नाम जपना शुरू कर दिया। यह जप बहुत समय तक नहीं चला, पर बचपन में जो बीज बोया गया वह नष्ट नहीं हुआ। आज राम नाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है। मैं मानता हूँ कि उसके मूल में रंभा या धाय का बोया हुआ बीज है। इसी अरसे में मेरे चाचा जी के एक लड़के ने, जो रामायण के भक्त थे, हम दो भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाने की व्यवस्था की। हमने उसे कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया और स्नान के बाद नित्य पाठ का नियम बनाया। जब तक पोरबंदर में रहे यह नियम चला। राजकोट के वातावरण में यह टिक न सका। इस क्रिया के प्रति भी खास श्रद्धा नहीं रही। अपने बड़े भाई के लिए मन में जो आदर था, उसके कारण और शुद्ध उच्चारणों के साथ राम रक्षा का पाठ कर पाते थे। इस अभियान के कारण पाठ चलता रहा, पर अभिमान के कारण पाठ चलता रहा, पर जिस चिन्ह का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा वह था रामायण का
प्रायण है, यानी पिताजी की बीमारी का थोड़ा सा समय पोरबंदर में बीता। वहाँ वे राम जी के मंदिर में रोज रात के समय रामायण सुनते थे। सुनाने वाले बिल्केश्वर के लाधा महाराज नाम के एक पंडित थे। वे रामचंद्र जी के परम भक्त थे। उनके बारे में यह कहा जाता था कि उन्हें कोढ़ की बीमारी थी। तो लाधा साहब महाराज को कौन सी बीमारी थी भाई? कोढ़ की बीमारी थी। तो उसका इलाज करने के बदले उन्होंने बिल्केश्वर महादेव पर चढ़े हुए बेल पत्र लेकर के कोढ़ वाले अंग पर बांधे और केवल राम नाम का जप शुरू किया। अंत में उनका कोढ़ जड़ मूल से नष्ट हो गया। यह बात सच हो या ना हो, हर सुनने वाले ने तो सच ही मानी है। यह भी सच है कि जब लाधा महाराज ने कथा शुरू की तब उनका शरीर बिल्कुल निरोग था। लाधा महाराज का कंठ मीठा था। वे दोहा चौपाई गाते थे और अर्थ समझाते थे। उस समय मेरी उम्र 13 साल की रही होगी, पर याद पड़ता है कि उनके पाठ में मुझे खूब रस आता था। वह रामायण श्रवण रामायण के प्रति मेरे अत्यधिक प्रेम की बुनियाद है। आज मैं तुलसीदास की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। तो गांधी जी भक्ति मार्ग का सबसे सर्वोत्तम ग्रंथ किसे मानते हैं? तुलसीदास जी की रामायण को। कुछ महीनों बाद हम राजकोट आए। वहाँ रामायण का पाठ नहीं होता था। एकादशी के दिन भागवत जरूर पढ़ी जाती थी। मैं कभी कभी उसे सुनने बैठता था, पर भट्ट जी रस उत्पन्न नहीं कर सके। आज मैं यह निरंतर देख सकता हूँ कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके पाठ से धर्म रस उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने उसे गुजराती में बड़े चाव से पढ़ा, लेकिन 21 दिन के अपने उपवास काल में भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय जी के शुभ मुख से मूल संस्कृत के कुछ अंश जब सुने, तब ख्याल हुआ कि बचपन में उनके समान भागवत भक्त के मुंह से भागवत सुनी होती तो उस पर उसी उम्र में मेरा गाढ़ा प्रेम हो जाता। कहने का भाव ये कि संस्कृत उन्हें अत्यधिक प्रिय भाषा लगी। बचपन में पढ़े हुए शुभ अशुभ संस्कार बहुत गहरी जड़ें जमाते हैं। इसे मैं खूब अनुभव करता हूँ और इस कारण इस उम्र में मुझे कई उत्तम ग्रंथ सुनने का लाभ नहीं मिला, सो अब तक अखरता है। यानी कई सारी पुस्तकें जिनको गांधी जी चाहते थे सुनना, वे सुन नहीं पाए, जो इनको अखर रही हैं, दुखी कर रही हैं। राजकोट में मुझे अनायास ही सब संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा मिली। मैंने हिंदू धर्म की प्रत्येक संप्रदाय का आदर करना सीखा, क्योंकि माता पिता वैष्णव परिवार वैष्णव मंदिर में शिवालय में और राम मंदिर में भी जाते और भाइयों को भी साथ लेकर के जाते या भेजते थे। फिर पिताजी के पास जैन धर्माचार्यों में से भी कोई ना कोई हमेशा आते रहते थे। पिताजी उन्हें भिक्षा भी देते थे। वे पिताजी के साथ धर्म और व्यवहार की बातें किया करते थे। इसके सिवा पिताजी के मुसलमान और पारसी मित्र भी थे। वे अपने अपने धर्म की चर्चा करते थे। पिताजी उनकी बातें सम्मानपूर्वक और अक्सर धैर्यपूर्वक सुना करते थे। ऐसी चर्चा के समय मैं अक्सर हाजिर होता था।
यानी रहता था। इस सारे वातावरण का प्रभाव मुझ पर यह पड़ा कि मुझ में सब धर्मों के सम्मान का भाव पैदा हो गया। यानी राजकोट में आने के पश्चात गांधी जी ने सभी धर्मों की चर्चाएं सुनी और उन्हें सभी धर्मों के प्रति प्रेम हुआ, लगाव हुआ, अगाध श्रद्धा पैदा हुई। यद्यपि दूसरे धर्मों के प्रति संभाव जगा, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मुझ में ईश्वर के प्रति आस्था थी, यानी ईश्वर को फिर भी नहीं मानता था। इन्हीं दिनों पिताजी के पुस्तक संग्रह में से मनुस्मृति का भाषांतर मेरे हाथ में आया। उसमें संसार की उत्पत्ति आदि की बातें पढ़ी, उन पर श्रद्धा नहीं जमी, उल्टे थोड़ी नास्तिकता और पैदा हो गई। मेरे दूसरे चाचा जी के लड़के की जो अभी जीवित हैं, बुद्धि पर मुझे विश्वास था। मैंने अपनी शंकाएं उनके सामने रखी पर वे मेरा समाधान नहीं कर सके। उन्होंने मुझे उत्तर दिया, सयाने होने पर ऐसे प्रश्नों के उत्तर तुम खुद ही दे सकोगे। सयाने मीन्स समझदार होने पर, बड़े होने पर। बालकों को ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। मैं चुप रहा, मन को शांति नहीं मिली। मनुस्मृति के खाद्य खाद्य विषयक प्रकरण में और दूसरे प्रकरणों में भी मैंने वर्तमान प्रथा का विरोध किया। इस शंका का उत्तर भी मुझे लगभग ऊपर के जैसा ही मिला। मैंने यह सोचकर अपने मन को समझा लिया कि किसी दिन बुद्धि खुलेगी, अधिक पढ़ूंगा और समझूंगा। उस समय मनुस्मृति को पढ़कर मैं अहिंसा तो सीख ही नहीं सका। मांसाहार की चर्चा हो चुकी थी। मैंने मनुस्मृति का समर्थन मिला उसे मनुस्मृति का समर्थन मिला यह भी ख्याल हुआ कि सर्प आदि और खटमल आदि को मारना नीति है। मुझे याद है उस समय मैंने धर्म समझकर खटमल आदि का नाश किया था, पर एक चीज ने मन में जड़ जमा ली, यह संसार नीति पर टिका हुआ है। नीति मात्र का समावेश सत्य में है, सत्य को तो खोजना ही होगा। दिन पर दिन सत्य को की महिमा मेरे निकट बढ़ती गई, सत्य की व्याख्या विस्तृत होती गई और अभी भी होती ही जा रही है। मोहनदास करमचंद गांधी। तो विद्यार्थियों, ये हमने एक छोटा सा धर्म की झांकी पाठ पढ़ा। इसमें कुछ शब्दार्थ जो आए थे, आत्मबोध, स्वयं की पहचान, उदासीन, विरक्त, तटस्थ, अमोघ, अचूक, प्रायणता, पाठ यानी शिक्षा, पर्वण, सुनना, उपवास, वृत्त, धाय, बच्चे की देखभाल करने की नियुक्ति, स्त्री, निरोग, स्वस्थ, शिवालय, मंदिर, शिव का मंदिर, संभाव, समानता के भाव, भाषांतर, अनुवाद, नास्तिकता, ईश्वर की में अविश्वास, प्रकरण, संदर्भ, प्रसंग, वैभव, भव्यता, कंठस्थ, जुबानी याद, बुनियाद, नींव, अनायास, अचानक, श्रद्धा, आस्था, श्रद्धा, खाद्य खाद्य, खाने और न खाने योग्य, धर्माचार्य, धर्म का उपदेश देने वाले, उत्पत्ति, निर्माण और उपज। तो विद्यार्थियों, ये हमने आपका पाठ पढ़ा। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको देने वाला हूँ। तब तक के लिए आप इस लेसन को एक बार दो बार पढ़ते रहिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।